Assalamualaikum class 5, how are you all? Hope you all are fine. I am Miss Tabia, your maths teacher, and today we are going to start our new chapter perimeter and area. आज मैं आपको सिर्फ इसकी explanation दूंगी, इसके units और इसके formula and definition हम थोड़ी सी explain करेंगे. Exercise इंशाल्लाह next class में करेंगे. पेरीमीटर एंड फार्मूला आपने अपनी एरिया आपने अपनी क्लास फोर में भी किया है. आई होप आपको थोड़ा बहुत रिकॉल होगा. यूनिट नंबर 8 पेरीमीटर एंड एरिया. सबसे पहले आपने टाइटल पेज बनाना है. नेक्स्ट पेज से डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन द डेट डे एंड क्लास वर्क. डेफिनेशन पेरीमीटर. पाथ सराउंडिंग द एरिया ऑफ अ क्लोज रीजन. इट इज़ द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ टू डायमेंशनल शेप. एक ऐसी सरफेस जिसका हमें बाउंड्री लाइन फाइंड आउट करनी हो, किसी भी सरफेस का आउटसाइड जो एरिया होता है या इन अदर वर्ड्स बाउंड्री लाइन, वो इसका कहलाता है पेरीमीटर. पेरीमीटर में आपकी दो ब्रेड्स हैं एंड दो लेंथ्स हैं, इसीलिए इसके फॉर्मूले में हम लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करके उसको टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं. एंड वॉट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर. पेरीमीटर का फॉर्मूला है पी इज इक्वल्स टू टू, ब्रैकेट में आ जाएगा आपके लेंथ प्लस ब्रेड्थ. अगर कहीं आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो ये फार्मूला लगेगा. अगर कहीं आपको पेरीमीटर गिवन है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो आपका ये फार्मूला लगेगा, दैट इज़ पी अपॉन टू माइनस बी. एंड कहीं आपको ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ गिवन है, तो पी अपॉन टू माइनस एल. आपने ये फार्मूले तीनों बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं, लर्न करने हैं, ठीक है. यूनिट है पेरीमीटर का सेंटीमीटर. दिस इज़ अवर पेरीमीटर. नाउ कम्स टू एरिया. वॉट इज़ एरिया? अमाउंट ऑफ स्पेस कवर्ड बाय सरफेस इज कॉल्ड एरिया. कोई भी आपकी जो चीज़ रखी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसने जितना भी आपका अमाउंट कवर किया है, वो आपका एरिया हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रूम में हम अपने कारपेटिंग करते हैं, तो हम रूम के अंदर का जो जो भी हम हिस्सा मेजर करते हैं, वो आपका होता है एरिया, ठीक है. और उस रूम की जो बाउंड्री लाइन आपकी है, वो आपकी हो जाती है पेरीमीटर. सो ये मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी की है कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इसकी जो अंदर वाला हिस्सा है वो आपका एरिया है. और लास्ट पेज पे जो मैंने बाउंड्री लाइन बनाई थी, बाहर की जो बाउंड्री लाइन है, वो आपकी क्या हो जाती है? पेरीमीटर. यूनिट है एरिया का सेंटीमीटर. स्क्वायर. स्क्वायर क्यों है? क्योंकि इसमें भी आपको लेंथ और ब्रेड्थ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. जब भी यूनिट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, दैट इज़ लेंथ का यूनिट भी मीटर है और ब्रेड्थ का यूनिट भी मीटर या फिर सेंटीमीटर है, कुछ भी है, तो आप दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा मीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. एरिया रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है एंड स्क्वायर शेप का भी हो सकता है. दोनों के फॉर्मूलाज डिफरेंट हैं. रेक्टेंगुलर शेप का फॉर्मूला है ए इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. और कहीं आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला लिख दिया, कहीं आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है तो ए अपॉन बी, एंड अगर कहीं आपने ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है तो ए अपॉन एल. ये फॉर्मूलाज भी आपने याद करने हैं, ठीक है. दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप. एंड नाउ दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर स्क्वायर शेप. स्क्वायर शेप कैसी होगी आपकी, जिसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल. ये स्क्वायर हो गया, या ये भी रेक्टेंगल लग रहा है, इसको और छोटा कर देते हैं, दिस इज़ द स्क्वायर. स्क्वायर शेप का फॉर्मूला क्या होगा? ए इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर, ठीक है. एल स्क्वायर का क्या मतलब है? आपका लेंथ आपकी दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है. फॉर एग्जांपल, अगर लेंथ आपकी 3 मीटर है, तो आप 3 × 3 कर देंगे, 3 × 3. तो जो भी आपका नंबर होगा इस यूनिट की जगह, इस लेंथ की जगह, वो आपका दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा. अगर कहीं एरिया फाइंड आउट करना है, दोनों लेंथ्स गिवन है, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा. अगर कहीं एक लेंथ गिवन है और एरिया फाइंड आउट करना है, तो आपका ये फार्मूला अप्लाई होगा. तो फार्मूलाज आज के दिन आपका सिर्फ होमवर्क ये है कि आपने ये काम अपनी नोटबुक में करना है नीट एंड क्लीन, और इन सारे फार्मूलाज को बहुत अच्छा सा लर्न करना है, याद करना है, ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडेज. अल्लाह हाफिज़.